राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी बनिंग्स आया भाई, कुछ सामान लेना था। जैसे कि अभी आपने टाइटल देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं इस वीडियो में। स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको अभी यहाँ पर कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे आपको यहाँ इजीली जॉब मिले या जॉब्स में इजी हो। चलिए अभी आगे बात करते हैं, आपको पहले थोड़ा बनिंग सिखाते हैं। बनिंग्स एक्चुअली एक बड़ा हार्डवेयर स्टोर है, वेयरहाउस टाइप का। ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आप कुछ भी हार्डवेयर का सामान चाहिए तो मैं आपको कहूँगा द फर्स्ट प्लेस यू शुड गो इज टू बनिंग्स। और अब स्किल्स की बात करते हैं तो भाई बनिंग्स में ही आपको कुछ देखने को ऐसा मिल जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्किल्स होते हैं जो आप आगे भी यूज़ करते हो। यहाँ DIY का सीन है, डू इट योरसेल्फ, काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ खुद करनी पड़ती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मैं आपको कहूँगा सारे के सारे भाई, ड्राइविंग जरूर सीख के आना। बॉयज़ गर्ल्स एवरी वन शुड लर्न ड्राइविंग। यहाँ आप ड्राइविंग आती है आपको तो काम काफ़ी मिलेगा, जैसे आपकी ऊबर ईट्स होगी और डिलीवरी जॉब्स हैं वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। एंड देट विल बी द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड लर्न बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी आपको ड्राइविंग की जॉब्स मिल सकती हैं, अपने ऊबर ईट हो गया, कोई टेक अवे है, या आजकल कुछ दोस्त मेरे अमेजन पे भी जॉब कर रहे हैं, अमेजन की जो अपने आइटम्स होते हैं उनकी डिलीवरी पे। या अगर आप यहाँ पे आते हो और आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड वर्किंग इन डिसेबिलिटी सेक्टर, तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। और उसके लिए आपके पास आपका पहले इंडियन होना चाहिए। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस मैं तो कहूँगा जितनी जल्दी उसको उतनी जल्दी बनवा लो एंड स्टार्ट लर्निंग ड्राइविंग एज वेल, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम यू नीड टू पे $60 to $70 पर आवर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है एट लास्ट। और एडलेड में एट द मोमेंट मैं प्राइस बताऊँ तो 700 से 800 मैक्सिमम लगते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के। और एक और बात जो मैं आपको बताऊंगा ड्राइविंग की, अगर कोई कनाडा से कंपेयर करे तो अपना कनाडा के जैसे ड्राइविंग नहीं है भाई। यहाँ अपने जो इंडिया में हम ड्राइविंग करते हैं उसी स्टाइल की ड्राइविंग है, लाइक द राइट हैंड साइड ड्राइविंग। और भाई अगर अभी बात करें और स्किल्स का, तो एक यहाँ पे बार्बर की स्किल भी अच्छी चल सकती है आपकी। अभी एक भाई से मिला था जो मैं अभी लास्ट हेयर कट करवाया था, तो वहाँ अपना इंडियन भाई था, वो बता रहा था कि वो इंडिया से काम सीख के आया था, यहाँ उसको दिन के 200-250 इजीली बन जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कैसे, जो अपने बिजनेस ओनर हैं जिनका वो बार्बर शॉप है तो उससे आप कैसे बात करते हो कि आप पर क्लाइंट के हिसाब से लेना चाहोगे या पूरा एक दिन का आप इतना लेना चाहोगे, वो भी अच्छा स्किल है, आप सीख के आ सकते हो। और मैं आपको कहूँगा कि जो अपने इंडिया में डोमिनोज, मैकडी, AKFC ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर आप काम करके थोड़ा बहुत, जब तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, आप प्रोसेसिंग में हो, जब तक अगर आप काम सीखना चाहो तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर अपने काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये जॉब भी करते हैं। एंड इट इज़ गुड व्हेन यू आर कमिंग इन स्टार्टिंग एंड यू आर गेटिंग अ गुड पे। सबसे अच्छी बात है कि आपको जॉब का काफ़ी पता होगा इन सभी चीज़ों से। और मैं कहूँ तो आपको भाई सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा भाई, कुकिंग सीख के आना। कुकिंग नहीं सीख के आओगे तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, वो शुरू में दिक्कत आपको आपके खुद के खाने में भी होगी, और अगर आप सीख के आते हो तो यू कैन वर्क एज वेल। आप काफ़ी जगह जॉब भी कर सकते हो, कुक की होगी, आप जाकर अपने रेस्टोरेंट्स में जॉब भी कर सकते हो शुरू में, जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत कुकिंग घर पे सीख लो यार, घर पे सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर यहाँ पे आके पछताओ नहीं गे, वरना मेरे जैसे सोचोगे कि क्या आता है भाई, चावल बनाने आते हैं, दाल बनाने आती है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा भाई कुकिंग सीख आना याद करके। तो भाई एक दो और अभी स्किल्स का पता चला है, आज अभी बाहर गए थे तो एक दो भाइयों से ऐसे में पूछने लगे भाई और क्या क्या सीख सकते हैं। तो एक भाई ने बताया यार ये जो अपना मोबाइल रिपेयर और लैपटॉप रिपेयर है इसका काम भी अच्छा है। तो अभी मेरे को याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया आने वाला था तो उस टाइम पे एक भाई बता रहा था कि उसके किसी नोन का मोबाइल की शॉप है अपने मेलबर्न में, तो वो इंडिया से ही काम सीख के आया, वो भी अब मोबाइल रिपेयर भी सीख सकते हो, लैपटॉप रिपेयर भी सीख सकते हो,
ये जो सारे काम है ये आपको काफी यूजफुल रहेंगे अगर आप सीखते हो तो। और अगर देखा जाए कब सीख सकते हो, अगर आपने अभी ट्वेल्थ की है, ट्वेल्थ के बाद आप पीटी का एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद और ऑस्ट्रेलिया आने के बीच में जो टाइम है, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू डू इट। सो ऑल द बेस्ट गाइज। और अगर आप एडलेड आ रहे हो तो बता दें आजकल मौसम बहुत बढ़िया है, एंड डोंट वरी अबाउट जॉब्स, जॉब्स आर एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप नर्सिंग करने आ रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वन ऑफ द बेस्ट कोर्स चूज किया है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राम राम।